सभी साथियों को मेरा जय भीम। आज हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साहित्य पर चर्चा करने के लिए। जैसे कि कल की फेसबुक लाइव में मैंने आपको बताया था कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती इस रूप में मना रहे हैं कि उनके साहित्य पर चर्चा की जाए, बाबा साहब अम्बेडकर को जाना जाए। बाबा साहब हिंदू समाज के सभी दमनकारी स्वरूपों के विरुद्ध विद्रोह के प्रतीक मात्र नहीं थे, अपितु वह भूमि के व्यक्तित्व के धनी थे। एक राजनीतिज्ञ और राष्ट्रीय नेता के नाते उन्होंने अपने पीछे संविधान के रूप में एक मूल्यवान विरासत छोड़ी है। उनका यह दृढ़ मत था कि शिक्षा के बिना प्रगति संभव नहीं है। उन्होंने दलितों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए अनेक स्कूलों कॉलेजों की स्थापना की। शोषितों के उद्धार के लिए उन्होंने जीवन भर जो संघर्ष किया उससे उन्हें सामाजिक और आर्थिक अन्याय से पीड़ित मानवता के उद्धारक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को विश्व ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है। ऐसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मेरा कोटि कोटि नमन। आज की इस चर्चा में हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो वांग्मय है 2003 का संस्करण मेरे हाथों में है, जो प्रकाशित किया गया था सरकार के द्वारा। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि तीसरे संस्करण में आज हम चर्चा करेंगे, जो एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा। इससे पहले कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के वांग्मय के ऊपर चर्चा करें, थोड़ी सी दो तीन बातों में आप सबके सामने साझा करना चाहती हूँ। अभी पिछले दिनों मेरे पास किसी का फोन आया, हालांकि ये फोन व्यक्तिगत है लेकिन जो विषय था वो सामरिक था, अर्थात हमारे दलित समाज से जुड़ा हुआ था, इसलिए आप सबको जानने का पूरा पूरा हक है। उन्होंने कुछ सवाल मुझसे जानने चाहे। पहला सवाल जिसमें यह था कि दलित साहित्य क्या है, दलित साहित्य क्यों अस्तित्व में आया और दलित साहित्य क्या गैर दलित साहित्य के साहित्यकार के द्वारा लिखा जा सकता है। मैंने उसके जवाब में जो कहा, मैं चाहती हूं कि हमारी जो फेसबुक जो मित्र हैं वो सभी उस जवाब को सुने। दलित साहित्य क्यों अस्तित्व में आया, हम सब जानते हैं कि जो साहित्य का जो एक अपना जो सत्ता वर्चस्व था वह एक खास वर्ग तक सीमित था और उस खास वर्ग के जो अपनी समस्याएं थी, अपनी संस्कृति थी, अपने रीति रिवाज थे, अपनी मुद्दे थे, उन्होंने हमेशा उसी को अपने सर्वोपरि साहित्य के कोटि में रखा। लेकिन दलित साहित्य के मुद्दे, बहुजन समाज के मुद्दे उसमें नदारद थे। इसलिए हमारे जितने भी जो दलित साहित्यकार हैं, खासकर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जयप्रकाश कर्दम जी, मोहनदास नेमिष राय जी, स्वराज बेचैन जी, प्रोफेसर स्वराज बेचैन जी, प्रोफेसर अजय नवरिया जी, सुशीला टाकपोरे जी, रजनी तिलक जी, अनिता भारती जी, प्रोफेसर विमल थोरात जी, के कठेरिया जी, कैलाश चंद चौहान जी, वो तमाम जो साहित्यकार थे, दलित साहित्यकार थे, उन्होंने अपने आंदोलनों के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से मुख्यधारा, जिसको कहा गया मुख्यधारा के साहित्य में, दलित साहित्य को इंट्रोड्यूस करवाया। अगर दलित साहित्य को अलग से इंट्रोड्यूस ना करवाया गया होता तो आज हम आप और हम जो साहित्य में चर्चा सुनते हैं, झलकारी बाई का जिक्र करते हैं, महावीरी देवी का जिक्र करते हैं, उदा देवी का जिक्र करते हैं, तमाम जो हमारे पुरखे रहे जो कहीं ना कहीं साहित्य में नजरअंदाज कर दिए गए, ये जितने साहित्यकारों की मैंने चर्चा की, इन तमाम साहित्यकारों के संघर्ष की वजह से दलित साहित्य अस्तित्व में आया। अब महत्वपूर्ण इसमें लाइन जो उनकी बातचीत की थी, जो मुझसे वो जानना चाहते वो यही था कि क्या गैर दलित भी दलित साहित्य लिख सकता है। ये सवाल मैं आपके सामने भी छोड़ के जा रही हूँ। इसके ऊपर लंबी बहस हुई है। अगर मैं जिक्र करूं प्रोफेसर नामवर जी, जो साहित्यकार के मूर्धन्य एक साहित्यकार रहे हैं, ऐसे तमाम और भी बहुत से सारे नाम जिनकी चर्चा पिछले दिनों हम लोग लगातार साहित्य में सुनते आ रहे हैं, उनकी एक एक अच्छी खासी डिबेट रही जिन्होंने इसके ऊपर बात की। जयप्रकाश कर्दम जी जैसे, स्वराज बेचैन जैसे, अजय नवरिया जी जैसे लोग जो दलित साहित्य की दलित साहित्य के माइलस्टोन की तरह काम कर रहे थे, उन्होंने इसका पुरजोर तरीके से समर्थन किया और आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय हो या BHU जैसी यूनिवर्सिटी हो, तमाम यूनिवर्सिटी, तमाम शैक्षणिक संस्थाएं आज हम दलित साहित्य को पढ़ पा रहे हैं।
ये उन तमाम जो साहित्यकार हैं मेरे सामने, जो मेरी पीढ़ी के साहित्यकार रहे हैं या मेरे से जो वरिष्ठ साहित्यकार रहे हैं, उनकी बदौलत आज हम थोड़ा बहुत बल्कि लिख पा रहे हैं, ये उन्हीं की बदौलत रहा। अब ये मैंने जवाब दिया, हालांकि हो सकता है ये जवाब पूरा ना हो, इसलिए आप सब भी इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ, और वो ये कि हम सब जानते हैं कि आज जो पेपर वर्क है हमारे सामने, आज हम पेपरलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ रही है, हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी बात एक सेकंड में हजारों लोग लाखों लोगों तक पहुंचा देते हैं, हम तमाम उन लोगों तक पहुंचा पाते हैं अपनी बातचीत को जो एक तरह से जो लिखित में शायद कम आ पाती थी, दूर दराज के लोग यूट्यूब चैनल्स को ज्यादातर देखते हैं। तो उन्होंने दूसरा जो सवाल मुझसे किया था वो ये था कि आज जितने भी जो आपके जो गैर दलित यूट्यूब चैनल्स हैं वो दलित साहित्य को कैसे उठाते हैं। तो मेरा जो जवाब था वो एक तरह से हो सकता है कि मैं थोड़ा सा डिफर रही हूँ, हालांकि मैंने उनको ये कहा कि देखिए बात है बाबा साहब अम्बेडकरी साहित्य की, उनकी सोच की, उनके नक्शे कदम पर चलने की, उनकी विचारधारा की, अगर कोई भी गैर दलित भी इन मुद्दों को लेकर चलता है तो दलित साहित्य भी और दलित बहुजन समाज लोग उनको स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। अब आप शंभु कुमार को देख लीजिए, शंभु कुमार सिंह जो नेशनल दस्तक के संपादक हैं, बहुत मतलब यूट्यूब चैनल में उन्होंने चंद ही वर्षों में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है जो हर कोई दलित साहित्यकार अभी तक दलित यूट्यूब चैनल्स अभी तक नहीं कर पाया। वो एक सामान्य वर्ग से आने के बावजूद भी एक पूरा का पूरा एक एक माफ कीजिएगा मुझे लगता है पुअर कनेक्शन है, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर चाहूंगी कि थोड़ा सा कनेक्शन ठीक हो जाए। समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ, इंटरनेट तो ठीक ठाक चल रहा था और मुझे लगता है कि हमारे जब हम ऐसे विषय पर बात करते हैं हमें कहीं ना कहीं दूसरे तरीकों से भी रोका जाता है। खैर बहरहाल पूर्व कनेक्शन है, इसी में हम बातचीत की को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहते हैं कि शंभु कुमार जी जो जो उन्होंने कहा कि शंभु कुमार जी जो नेशनल दस्तक के संपादक हैं और सामान्य वर्ग से आते हैं, बिहार के हैं और अपर कास्ट ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ना भी हो मुझे इसमें कोई इत्तेफाक नहीं है और ना ही रुचि, लेकिन सामान्य वर्ग से आने के बावजूद भी जिस तरीके से उन्होंने दलितों के मुद्दे को उठाया है, आप देखिए उनकी जो रीचेबल है, उनकी जो रीच है यूट्यूब चैनल की, वो तमाम दलित लोग हैं, बहुजन लोग हैं, दूरदराज के लोग हैं, उनके विषय को उन्होंने उठाया है, इसमें कोई दराय नहीं। मैं दलित नेशनल दस्तक के संपादक शंभु कुमार जी को इसके लिए धन्यवाद दूंगी, तमाम चाहे प्रोफेसर रतनलाल जी की बात को यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनके संदेश को पहुंचाना हो, दलित मंडल जी की, यहाँ तक कि मेरी भी, मुझे भी बहुत बार यूट्यूब चैनल पे उनकी अपनी बात, उन्होंने मेरी बात को भी लोगों तक पहुंचाया, हम उनका धन्यवाद देते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि अगर जनरल कैटेगरी का व्यक्ति दलितों के इश्यूज को उठाता है तो ना केवल दलित बल्कि गैर दलित भी उसको बहुत एकाद्र के दृष्टिकोण से देखते हैं। वही बात अगर दलित वर्ग से आने वाला व्यक्ति उठाता है तो जो हमारा जो एक मानसिकता कर रहे थे कि मुझसे किसी ने पूछा कि जो यूट्यूब चैनल्स हैं आजकल क्या उसको साहित्य की कैटेगरी में लिया तो उनका सवाल था ये। मैंने उनको ये कहा कि देखिए आने वाले दिनों में जो टेक्नोलॉजी होगी पेपरलेस सोसाइटी की तरफ जिस तरीके से हम बढ़ते जा रहे हैं उसमें यूट्यूब चैनल्स ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कारगर होगा आने वाले दिनों में, जिस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है कि जो लेखन के माध्यम से अपनी बातचीत पहुँचा आजकल हम यूट्यूब चैनल।
उसमें ज्यादा हमें दम दिखाई देता है। मैं बस कहना यही चाहती थी कि जिस महानुभाव ने मुझसे ये सीधा प्रश्न किया कि क्या वजह है कि दलित आंदोलन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बावजूद भी जो यहां तक पहुंचा है, चाहे वह आंदोलनों के रूप में हो, साहित्य के रूप में हो, यूट्यूब चैनल में हो, तमाम जितने भी फील्ड हैं हमारे उन सब में हो, भी दलित दस्तक के संपादक अशोक दास जी हों, गौतम, तमाम यूट्यूब चैनल्स हों, उनके एक जो सामान्य वर्ग से जो लेख जो व्यक्ति आता है शंभु कुमार सिंह दस्तक का संपादक है, जो मुद्दों को उठाता है उनकी यूट्यूब चैनल्स को उनको ज्यादा, ये हमारे लिए भी एक विषय है। बात वही फिर आके यूट्यूब चैनल ले लीजिए, हम जो हमारी जो सोचने समझने सीखने की जो प्रक्रियाएं हैं उन सब सिंह जो सामान्य वर्ग से आते हैं उसको हाथों हाथ लिया गया, बहुत अच्छा। नेशनल दस्तक को बधाई देती हूँ इसके लिए और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने तमाम दलितों, अगर दलितों के मुद्दों को कहा जाता है तो मुझे लगता है कि अंबेडकरवादी होने के नाते हम उनका स्वागत करते हैं, बशर्त वही है कि जब साहित्य की बात आती है, चाहे यूट्यूब चैनल की बात आती है, पेपर्स की बात आती है, तमाम जो हमारे अभिव्यक्ति के जो औजार हैं उन सब में जब बात आती है, जब दलितों के इश्यूज, वो बहुजन के इश्यूज जब दलित उठाते हैं, बहुजन उठाते हैं, तो उसको इस तरीके से तवज्जो नहीं मिलती। जब गैर इस लाभ इस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विधेयक को सुनेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महोदय, मैं इस विधेयक के प्रथम वाचन के समर्थन में बोल रहा हूं। ऐसा करते समय मैं इस विधेयक के विरुद्ध चर्चा के दौरान उठाए गए मुद्दों का उत्तर देना चाहता हूं। इस विधेयक के विरुद्ध माननीय सामान्य जनरल सदस्य ने सर्वप्रथम यह कहा कि यह कोई दुर्घटना नहीं, ऐसी दुर्घटना जिसका आशय हम कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम से ले लेते हैं, अतएव कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम का सिद्धांत उन महिलाओं पर लागू नहीं किया जा सकता जो इस विधेयक के विधानमंडल, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बॉम्बे विधानमंडल में इस विधेयक का जिक्र किया था, उसकी जो राइटिंग है उसको एज इट इज मैं पढ़ना चाहूंगी आप सबके सामने। एक तरफा है कि सभी सदस्य इस बात से पूर्णतः सहमत होंगे कि मां के लिए प्रसव पूर्व दशाएं पश्चात बच्चों के ललन पर
पालन की समस्या विधेयक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं नहीं समझता कि कोई भी इस सिद्धांत के विरुद्ध होगा। महोदय, मेरा यह विश्वास है कि यह राष्ट्रहित में होगा कि जच्चा को कुछ समय के लिए प्रसव के पूर्व और कुछ समय के लिए प्रसव के पश्चात विश्राम दिया जाए। सिद्धांत पूर्णतः इस तथ्य पर आधारित है। महोदय, अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसका कारण यह है कि नियोक्ता महिला को किसी उद्योग विशेष में इसलिए काम पर लगाता है क्योंकि उसको पुरुष की अपेक्षा महिला को काम लगाने से लाभ होता है। पुरुष काम पर लगाकर मिलने वाले लाभ की तुलना में महिला को काम पर लगाकर अधिक मुनाफा अर्जित कर पाता है। यह कहना पूरा उचित है कि इस प्रकार का प्रदान करने के लिए नियोक्ता की भी कुछ हद जिम्मेदारी बनती है, खासतौर पर उस समय जबकि काम पर लगाने पर मिलने मुनाफे की तुलना में महिलाओं को रखने से अधिक लाभ होता है। अतएव मेरा यह यद्यपि प्रसूति मामले में निश्चित रूप से कुछ के अन्य देशों की तुलना में भारत को अलाभकारी स्थिति में जा रहा है। स्थिति में उस समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि संपूर्ण विश्व इस सिद्धांत को नहीं अपनाता और ऐसा होने देशों के हो जाएंगे। मेरे विचार में इस तर्क में कोई वजन नहीं है। सोचता हूँ कि इस विधेयक के माध्यम से गए लाभ
अधिनियम की धारा 4 के उपबंधों उन सभी दंगों संबंधी अपराधों पर लागू नहीं होंगे जो भारतीय संहिता 146 तथा 141 के अंतर्गत आते हैं। महोदय, मैं सोचता हूं कि यह कदम, जैसा कि कहा जाता है, दंगों से निपटने के विशेष उद्देश्य से तैयार किया गया था। महोदय, दंगे सजाओं का प्रावधान किया गया है। यदि यह विधेयक पास तो यह अनिवार्यता केवल सांप्रदायिक दंगों से निपटने जैसे विशेष उद्देश्य के लिए हो सकती है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। यदि मेरे माननीय गृह मंत्री खंड 2 के शब्दों के इस ढंग से परिवर्तित करने के लिए तैयार हैं कि वह केवल सांप्रदायिक दंगों के संबंधित अपराधों से निपटने के लिए ही लागू हूं, तो मैं उनका समर्थन करूंगा। इस अवसर पर मुझे यह अकेले कहना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने भारत के दलितों के हक की आवाज उठाई, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ, एक महार परिवार में हुआ जिन्हें अछूत माना जाता है। वो अपने माता पिता की 14 बच्चों में सबसे छोटे थे। महारों को अंग्रेजों द्वारा सैन्य सेवा के लिए फेवर किया जाता था। उन्होंने पश्चिम स्कूली शिक्षा का प्रस्ताव मिला। ये ऐसा मौका था 100% से कम अछूतों के लिए मिला। वो 3 साल के थे तब उनकी माता की मृत्यु हुई। इसके बाद उनके पिता पर ध्यान ग्रेजुएशन करने के बाद वो न्यूयॉर्क चले गए। वहां पर उन्होंने इकोनॉमी में पीएचडी की, पोस्ट ग्रेजुएशन की। वहीं से उन्होंने नीले सूट की पहचान बनाने की शुरुआत की। 23 साल की उम्र में भारत वापस लौट आए, जहां कुछ वक्त के लिए बड़ौदा के महाराज के सैन्य सचिव रहे। लेकिन उन्होंने अपना पद त्याग दिया जब वो बेघर हो गए। उन्हें कोई भी मकान मालिक किराए पर घर नहीं देता था अछूत होने के कारण। वो बम्बई वापस आ गए और
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब 39 के हुए तो उन्होंने नासिक के कालाग्राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत की थी। उस वक्त 1500 दलितों ने इसमें भाग लिया था। 45 साल की उम्र में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ कई मुद्दे पर तीखे मतभेद किए थे। समय समय पर उनके साथ संवाद होता रहा था महात्मा गांधी के साथ। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ दलितों के हक की आवाज ही उठाई। जब वे 42 साल के हुए तो उन्होंने न्यू दिल्ली में काम करने की शुरुआत की। 8 घंटे प्रतिदिन समय सीमा में बांधा। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया जो कि उनकी सिफारिश का नतीजा ही था। जब भारत ने अपनी आजादी हासिल की तो 56 साल की उम्र में वो देश के पहले कानून मंत्री बन गए। उन्होंने संविधान बनाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। उन्होंने ऐसे कानून बनाए जिनमें सिर्फ महिलाओं को राइट टू प्रॉपर्टी मिला। उन्होंने ऐसे कानून बनाए जिसमें महिलाओं को प्रसूति का अधिकार मिला, प्रसूति लाभ का अधिकार मिला।